हम दोनों को देख के मैं यही कहूँगी कि हमें जो भी देख रहा है, हम दोनों को देख के, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दोनों को देख के सीखिए और ऑल द बेस्ट अपनी लाइफ में, अच्छा ज़रूर कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, अपने शब्दों से किसी को फेस मत पहुँचाइए, अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आज हम आए दिल्ली के टालकोटे स्टेडियम के गोल चक्कर पे एक ऐसे कपल के पास जिन्होंने 2 महीने इस ऑल्टो गाड़ी के अंदर सर्वाइव किया। कहाँ पर आए हैं? टालकोटे स्टेडियम के गोल चक्कर के पास। हमारे साथ में करण जी एंड अमृता जी, ये वो बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया था। करण जी, मैं स्टोरी दे रही जी। नमस्कार भैया, पूरी स्टोरी आप लोगों ने पहले भी सुनी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहले मैं एक सांसद का ड्राइवर था, उनकी गाड़ी चलाता था और उन्हीं के वहाँ पे रहने के लिए मेरे को क्वार्टर मिला। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के 1.5 महीने बाद मेरे को जॉब से फायर कर दिया गया। सामने से जो ऑनर थे, उनका जो पीए होते हैं, पीओ के पास ऑर्डर आया कि करण को बोल दो वो अपना इंतजाम करते। मैंने बहुत कोशिश करी कि एमपी साहब से बात हो जाए, बट उनसे बात होने नहीं दी, ना पीए ने होने दी ना एमपी साहब नहीं बात करी। और रिक्वेस्ट तो बहुत करी थी बट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी किसी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने के बाद जब मैंने ज़बरदस्ती करी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अभी मेरे को टाइम चाहिए, तो उन्होंने मेरे को टाइम भी नहीं दिया और एटलीस्ट पुलिस बुलवा दी मेरे को वहाँ से खाली करवाने। वो जब पुलिस बुलवाई गई, पुलिस वालों ने उनसे पूछा, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो मुझे नहीं पता, बाद में मुझे बुलवाया गया तो मुझसे पूछा गया कि क्या बात है, क्यों जिद कर। मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, एक तो कोरोना टाइम में नौकरी से निकाल रहे हैं, ठीक है नौकरी से निकाल रहे हैं वो, उसके लिए मैं एग्री हूँ, बट आप मेरे से ये कहें कि आप घर भी खाली कर दें, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम में कोरोना के टाइम में ना कोई घर किराए पे कोई देता है, ना कोई नौकरी पे रखता है। तो पुलिस वालों को मैंने बताया, मैंने ऐसी ऐसी बात है, तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है हम आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं और उस हफ्ते में सैटरडे जो आएगा उसमें 12 बजे तक आपको खाली करना। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा खाली। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया कि किराए पे रूम ले लूँ, बट किसी ने नहीं लिया, कोविड के टाइम में कोई रिस्क नहीं लेता, और उस टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ, और इसलिए ना कोई रूम मिला ना कोई जॉब मिली। इत्तेफाक से एक गैरेज मिली मेरे को, जिस गैरेज के लिए ये परमिशन दी कि बस सामान रख सकते, आप रह नहीं सकते, सामान रख लो आप मगर आप उसमें रह नहीं सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि रहने के लिए भी परमिशन दे दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं रहने की परमिशन नहीं मिल सकती आपको, आप बस सामान रख सकते। जब उन्होंने भी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी मेरी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, तब जा करके मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया, मैंने ऐसी ऐसी बातें कहीं, रूम तो मिल नहीं रहा है और
ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फादर इन लॉ ने कहा फिर क्या करोगे? मैंने कोई बात नहीं पापा, मैं गुरुद्वारे में स्टे कर लूँगा, सामान मैंने रख दिया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में कितने दिन रह लोगे? मैंने जितने दिन नसीब में लिखा होगा उतने दिन रहेंगे। कह रहे खाना पीना, मैंने वो वहाँ लंगर हो जाता वहीं से खाया। मेरे फादर इन लॉ ने ये गाड़ी मेरे को दी, ये साथ ही थी, इनके लिए बोला था कि ठीक है आप लड़की को यहाँ छोड़ जाओ। बट मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, मुसीबत हम दोनों के ऊपर आई है तो हम दोनों ही फेस करेंगे, कोई अकेला फेस नहीं करेगा। मतलब उन्होंने आपका बराबरी से साथ दिया? मेरी वाइफ ने मेरा पूरा साथ दिया और अभी भी वो मेरा पूरा साथ दी। उन्होंने गाड़ी दी। बहुत बार ऐसा हुआ गुरुद्वारे में जगह मिल गई तो गुरुद्वारे में सो गए, गुरुद्वारे में जगह नहीं मिली तो फिर रात को ये वाली सीट बैंड मैं करता था, वो उनकी बैंड होती थी, इसमें सो जाते। पूरी गाड़ी शेडों से पैक करके रात को कहीं भी लगा के या तो गुरुद्वारे की पार्किंग में सो जाते थे, और अगर वहाँ जगह नहीं मिलती थी तो बाहर रोड पे कहीं लगा के। तो ऐसे हम लोगों ने स्टे किया 2 महीने इस गाड़ी में। 2 महीने के बाद जब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना नौकरी के लिए ना घर के लिए, तब मेरी वाइफ ने डिसाइड किया। एक दिन बैठे हुए थे ऐसी गाड़ी में दोपहर में, इन्होंने मेरे को कहा कि खाने का काम स्टार्ट कर। मैंने खाने का काम, कहते अगर लोग जगह जगह स्टॉल लगाते हैं गाड़ी में खाना बेचते हैं तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने आप ट्राई कर लो बट अभी मैं कह नहीं सकता कि चल पाएगा, कोविड के टाइम में हर कोई नहीं खाता, सब इग्नोर करते हैं उस चीज़। हमने ट्राई किया। ट्राई करने के इससे पहले मैंने अपने ससुर जी को बताया, मैंने पापा ऐसी ऐसी बात है, इनको प्यार से लाडो कहते हैं। मैंने कहा लाडो ऐसे ऐसे कह रहे। पापा ने कहा अगर ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए पहले कहीं रहने का इंतज़ाम करो। मैंने पापा को बताया, मैंने पापा मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया बट नहीं मिल पाते। पापा ने और मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ ने, वो भी फरीदाबाद में रहते हैं, उन्होंने वहीं फरीदाबाद में मेरे को पहले घर दिलवाया। वो घर लेने के लिए पहले मैंने कुछ अपने फ्रेंडों से लोन लिया, कुछ मेरे फादर इन लॉ ने हेल्प करी। तो वहाँ पे रूम लेने के बाद, वो रूम लेने के बाद यहाँ से सारा जो गैरेज में सामान रखा हुआ था वो गैरेज में सामान शिफ्ट किया पहले वहाँ। वहाँ शिफ्ट करने के बाद, अब शिफ्टिंग में आप जानते हैं पैसा तो लगता है। अब रेंट पे भी जाएंगे तो उसमें क्या है, एक एडवांस किराया, एक सिक्योरिटी, फिर डीलर की कमीशन, फिर जो टेम्पो वगैरह का किराया होता उस सब में जो पैसा मेरे पास था वो सारा लग चुका था। वो लगने के बाद जब कमरे का हो गया, सारा कुछ सामान वगैरह सेटल कर दिया, उसके बाद ये काम स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए था। मेरी वाइफ कहने लगी आप कैसे करें? मैंने अभी जितनी हेल्प हो सकती थी मेरे दोस्तों से वो हो गई, बाकी तो नहीं हो पाएगी। तब जाके मेरे घर में एक अलमीरा थी, वो अलमीरा बेची, कुछ और भी सामान बेचा घर का, वो सामान बेचने के बाद ये काम स्टार्ट किया। अभी ये जो आप इतना कुछ देख रहे हैं, तब इतना कुछ नहीं था, गिनती ये 4 डब्बे थे। एक वो बड़ा वाला डब्बा, वो अलग है, वो उसमें हम लोग आटा रखते थे बट अब वो हमने यहीं पे कर दिया। उसमें आटा रखते थे तो अब उसमें आटा नहीं रखते, अब उसमें हम चावल लेके आए। काफ़ी दिक्कतें फेस करी, बहुत कुछ झेला, पुलिस वालों ने भी टॉर्चर किया। काफ़ी कुछ झेलने के बाद फिर ये काम स्टार्ट किया। अब फरीदाबाद से यहाँ तक के बीच में 28 सितंबर को हमने ये स्टार्ट किया। 28 सितंबर से स्टार्ट किया था, और 28 सितंबर का फर्स्ट डे था फरीदाबाद से यहाँ तक में। हम लोग यहाँ आते आते, जहाँ पर वो वाली गाड़ी खड़ी है, आगे वाली खड़ी है ना, वहाँ तक आने तक हमें 3:30 बज चुके थे। उम्मीद टूट चुकी थी कि अब नहीं बिकेगा, जो सुबह से नहीं बिका था अब 3:30 बजे कहाँ से बिकेगा। साढ़े 3 बजे के बाद एक कस्टमर आए थे हमारे, वो आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं कभी कभार आते हैं। वो फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने मेरे से 1/2 प्लेट राजमा चावल मांगे थे और वो 1/2 प्लेट की क्वांटिटी मैंने फुल में कर दी।
उन्होंने कहा था कि भैया ये हाफ नहीं है, ये फुल है, बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि अब नहीं बिकेगा तो खाना फिर दान ही करना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से और खा लो। वो आए, उसके बाद फिर एक दो कस्टमर और आए। वो एक दो कस्टमर आने के बाद मेरे हाथ में जो रकम आई वो आई कुल 320 रुपये। 320 रुपये आने के बाद हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने इनको कहा कि नहीं होगा, रहने दो, नहीं हो सकता काम, मत करो आप ही। मतलब वही वाली बात है, जो आप अपनी जेब से लगाओगे वो भी नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिम्मत आ चुका था। मैंने इनको कहा मैं नहीं होगा, रहने दो, बंद कर दो, जो खाना बचा है वो दान करते हुए चल दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अगले दिन फिर लगाएंगे। अगले दिन लगाने के लिए फिर और पैसा चाहिए था, 320 में तो ये सामान नहीं आएगा। हाँ, घर का थोड़ा और सामान था, फिर वो भी सेल किया। उसको सेल करने के बाद थोड़ी बहुत फादर इन लॉ ने थोड़ी और मदद करी। मदद करने के बाद अगले दिन फिर लगाया। 11:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। 11:30 मैं यहाँ आ चुका था, और आने के बाद 11:30 बजे से जब लगा रखी थी दुकान, तब जा कर के कोई 450 के आसपास आया था। ऐसे ही धीरे धीरे 400, 500, 800, 1000 ऐसे आने लगा। आज ये मतलब जनवरी से काफ़ी डाउन हो रखा है। जनवरी से पहले थोड़ा ठीक चल रहा था, मगर अब जनवरी से काफ़ी डाउन हो रखा है। अभी अमाउंट जो आ रहा है वो आता है कोई 2000, 2200, 2300, खींचतान करके 2400। अगर खींचतान करें ना कि ज़्यादा देर तक रुक जाएं, 2400-2500 रुपये आ जाते हैं जो क्वांटिटी आती है खाने की। उसमें से जो क्वांटिटी लगती है रोज़ की जो लागत है, ये डिस्पोजल बर्तन वगैरह हैं, ये डिस्पोजल बर्तन वगैरह सब कुछ, चम्मच, ग्लास, बाउल, पॉलीथीन, ये सब मिला करके हर दूसरे दिन इसका खर्चा आता है 1000-1200 रुपये का। और जो खाने की क्वांटिटी है, खाने की क्वांटिटी में 1200-1300 रुपये में राजमा, छोले, दही, कढ़ी, बेसन वगैरह, चावल वगैरह 1200-1300 रुपये उसके लगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो हाथ में वही बचता है, 400-500 रुपये आते हैं हाथ में, बट उसमें से गाड़ी का तेल भी है, तो वही है, अभी बच रहा है 200-300 रुपये बच से। हमारी ऑडियंस है, आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे ऐसे कई लोग हैं और जिनकी जॉब जा चुकी है लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद किसी भी रीज़न से, तो वो लोग हार मान चुके हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? उनके लिए मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, देखिए मेरे पास तो पैसा नहीं था। पहले की वीडियो में बहुत कमेंट आई है कि इसने इतने सालों से इतना पैसा कमाया, इतने सालों से तो क्या किया। हर कोई जानता है कि ड्राइवरी लाइन में इतनी हाई फाई सैलरी नहीं होती, उसमें घर का गुजारा ही हो सकता, उसमें सेविंग नहीं होती, सेविंग बहुत कम चांसेस होते हैं कि हो। अगर कंपनी जॉब है तो कह सकते हो कि हाँ सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीएफ फंड वगैरह सब कुछ कटता है, और कंपनी की सैलरी जो है वो ये प्राइवेट जो सेक्टर है इनसे अच्छी होती है सैलरी। जिन्होंने फेस नहीं किया तो वो तो यही कमेंट करेंगे कि भाई इसने इतने सालों से इतना पैसा कमाया तो क्या किया। अब जिसने फेस किया है उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैंने ये सब स्टार्ट करने के लिए अपने घर का सामान बेचा था, कुछ दोस्तों से हेल्प ली थी, कुछ फादर इन लॉ ने हेल्प करी थी, मगर मैं और भाइयों से यही कहना चाहूँगा जिनकी नौकरी छूट गई है लॉकडाउन में, हार ना माने। अगर आपके पास सेविंग है तो थोड़ी बहुत सेविंग लगा करके मेरी तरह ऐसा स्टॉल लगाएं, किसी की गुलामी करने से अच्छा, किसी की गुलामी करने से अच्छा आप अपना खुद का एक स्टॉल लगाएं। ये गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी मेरे को मेरे फादर इन लॉ ने दी है। मैं ये नहीं जानता कि और भाइयों के पास गाड़ी है या नहीं है, मगर एक बार कोशिश करके देखें। यही कहना चाहूँगा, जैसा भी है आपके पास, स्कूटी है, कार है, या आप जिस लायक है, जैसा आप कर सकते, अगर आप, मैं यही कहूँगा शॉप तो अभी ना लें, शॉप तो आफ्टर जब आपका चल जाए उसके बाद आप ट्राई करें, बट अभी अगर आपके पास कार वगैरह कुछ है तो आप उसमें एक बार ट्राई करें,
हार ना माने, कोशिश करके देखें एक बार, एक कोशिश ज़रूरी होती है। कहते ना लाइफ में कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि लाख कोशिशें करने के बाद भी सब कुछ हार जाते हैं, मगर मैं यही कहूँगा उसके अलावा भी एक कोशिश ऐसी करें जो कि अपने परिवार को भी चला सके और अपने काम को भी आगे बढ़ा सके। और किसी को अगर ऐसे मान लीजिए केटरिंग वगैरह करनी है, केटरिंग वगैरह करनी है, शादी पार्टी करनी है, तो उसके लिए आप ऑर्डर लेते हैं? मैं ऑर्डर लेता हूँ तो वो लेता हूँ, जैसे किसी को कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल वगैरह चाहिए ऑर्डर पे, जैसे 30 बंदों का हो गया, 50 बंदों का हो गया, 100 बंदों का हो गया, वो ऑर्डर मैं ले लेता हूँ। अमृता जी, जैसे मेरे को करण जी ने बताया आपने उनका पूरा साथ दिया, थोड़ा बताइए। मैं उनकी वाइफ हूँ तो ऑब्वियसली साथ देना तो उनका बनता ही है, और जो कंडीशन थी जो हमारी लाइफ में हमने फेस की लॉकडाउन में, वो हम दोनों की लाइफ की परेशानी थी, तो उस वक्त अगर मैं उनका साथ छोड़ देती तो शायद ये एक रिश्ते का सबसे बड़ा धोखा होता और हर तरीके से गलत होता। तो ज़िंदगी हमारी थी, उसकी उतार चढ़ाव भी हमारे हैं, उसकी सुख और दुख भी हमारे हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी यही बनता है और कायदा भी यही कहता है और हमारे माता पिता के संस्कार भी यही हैं कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ऊपर नीचे वक्त कैसा भी हो, पति का साथ देना चाहिए। मैंने भी वही किया, अपने पति का साथ दिया, मैंने उन्हें छोटे से तरीके से मोटिवेट किया कि हम लोग कोशिश करते हैं, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और एक दूसरे की सहायता से आज हम आपके सामने खड़े हैं। जितने भी हमें देखने वाले हैं या सुनने वाली है, जहाँ तक कि ये वीडियो मेरी जाएगी, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी तो अपने आप पे फुल भरोसा करें। आप में ऊपर वाले ने आपको ऐसा बनाया है, हमको ऐसा बनाया है कि हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि टाइम अच्छा हो या बुरा हो, हम उसका डटकर सामना करेंगे। बुरा टाइम चला जाएगा, अच्छा टाइम भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता, हर रात की सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला लाजमी है, परिवर्तन कुदरत का नियम है, उतार चढ़ाव आते हैं, बट उनका डट के सामना कीजिए और हिम्मत से उनको फेस कीजिए, एंड ऑब्वियसली अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोशिश करते रहिए। कोशिशें सफल होंगी तो जीवन अच्छा ही होगा। मेन्यू में हमारे पास होते हैं राजमा चावल, छोले चावल और कढ़ी चावल, हाफ प्लेट 30 रुपये में और फुल प्लेट 50 रुपये में, और बूंदी रायता होता है 10 रुपये ग्लास, और हमारी टाइमिंग रहती है 12:30 से 12:30 में 1 बजे 12:30 से 1 के बीच, और दोपहर में 3 से 4 के बीच जी। और सातों दिन आते हो या छुट्टी भी होती है? संडे को हम लोग छुट्टी रखते हैं जी। तो एक बार जानते हैं कि आज के मेनू में क्या क्या है। अमृता जी एक बार दिखाइएगा कि आप आज क्या क्या लाए हैं। आज कड़ी, ठीक है, कड़ी पकौड़ा, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट डन, लास्ट मोमेंट पे है, और ये है छोले, छोले, ये राजमा, ये हमारे छोले, ये छोले जी, ठीक है, और ये हमारा जैसे आप देख रहे हैं रायता है, रायता, ठीक है, और ये मिक्स सैलेड हमारा रायता, मतलब आपका गाढ़ा गाढ़ा एकदम जी, है ना जी। और इसमें, इसमें हमारे राइस है, अच्छा राइस भी है, राइस भी गिले गिले बनाएंगे, खुशबू भी आ रही है। कौन सा राइस यूज करते हैं आप? बासमती टुकड़ा, बासमती टुकड़ा, थैंक यू। Thank you.
अब हम टेस्टिंग करेंगे अमृता जी के और कन्हैया जी के बनाए हुए हमारे राजमा चावल और यह है कढ़ी चावल। भाई साहब आप दूर से आओगे ना, दूर से खुशबू आ जाएगी। आप तारकटोरे स्टेडियम के पास खड़े हो क्या हो गया, दूर से खुशबू आ जाएगी, आपको खुद ही खींच लेगी। खड़े मसाले का एकदम ब्लेंड कर रहे हैं अंदर अच्छे से ना, खड़े मसाले की अलग खुशबू आ रही है। मैंने कम से कम ये लगा लो 3 या 4 बार बोल दिया होगा कि चावलों का टेस्ट मतलब दूर से खुशबू आ रही थी चावलों की। भाई चावल और हर चीज़ ना एकदम परफेक्ट ब्लेंड है पूरी। ये नहीं पकौड़ियाँ हैं, ये पकौड़ियाँ प्याज वगैरह कड़ी राइस है और ये इनका राजमा राइस है। राजमा देखो बिल्कुल गाढ़े गाढ़े एकदम गाढ़े गाढ़े राजमा, और पूरे मसाले एकदम से अच्छे से पूरे ब्लेंड कर रखे हैं अलग। चलो एक बार टेस्ट करते देखते हैं। लाजवाब भाई, अरे थैंक यू भाई, पानी भी आ गया, एकदम लाजवाब भाई, एकदम लाजवाब, मज़ा आ गया यार सच में भाई। राजमा ओसम, मतलब हर चीज़ का अलग ही स्वाद है। राजमा ले लो आप, कढ़ी ले लो आप, अकेले सिंपल राइस भी है ना, सिंपल राइस में से भी अलग खुशबू आ रही है, राइस में से भी अलग ही, पता नहीं क्या है सब इन्होंने बढ़ा रहे हैं खड़े मसाले। हमने रायते भी लिए 2, ये देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा रायता, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना पानी वाला रायता होता है वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रायता एकदम। भाई साहब मज़ेदार एकदम, मज़ा आ रहेगा सही में। जीरा बूंदी करारी करारी, ये देख रहे पत्ती वगैरह भाई, मसाले क्या डाले हैं इसके अंदर यार, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम आपको। एक ग्लास में काम नहीं होगा भाई, और चाहिए होगा भाई। भाई टेस्ट ही ऐसा है कि भाई बंदा एक ग्लास में कहना ना भाई। अब टेस्ट करते हैं कढ़ी चावल, ये देख रहे हो पकौड़ियाँ, ये पकौड़ियाँ हैं एकदम मोटी मोटी अलग ही बड़ी सी साइज देखो पकौड़ी का। भाई साहब ये देख रहे हो, भाई तू खाएगा मज़ा आ जाएगा तेरे को, सही बता रहा हूँ, खाएगा ना मज़ा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ। एक बार आ जा तू भी खा ले, ट्राई करे भाई, आजा भाई। अब तो पब्लिक की डिमांड कर रही है कि पीछे कौन है कैमरे के, कभी तो आ जाएगा ना भाई, सच में मज़ा आ जाएगा। कड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है भाई, घर का स्वाद याद आ जाएगा, घर का टेस्ट आता है ना बिल्कुल घर का, वो याद आ जाएगा। अलग से पुदीने चटनी भी है, ये पुदीने चटनी पता नहीं कैसे पीस के बना रखी है अलग ही अच्छे से तरीके से, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन आप खाओ मज़ा आ जाएगा भाई। अगर आप भी आ रहे हो कनॉट प्लेस के आसपास, तालकटोरिया स्टेडियम के आसपास, या बंगला साहब आ रहे हो, इंडिया गेट आ रहे हो, हनुमान मंदिर आ रहे हो, यहाँ पे आसपास आप कहीं भी आ रहे हो तो एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। अगर आपने यहाँ पे एक बार खा लिया ना, मतलब अलग ही टेस्ट आ रहा है जीप पे ना, अलग ही लग रहा है जबान पे, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन अभी भी खाने का मन कर रहा है मेरा, मुँह में पानी आ रहा है बार बार, बस चम्मच उठाओ और खाते रहो बस। इनकी चटनी, इनका रायता, सब कुछ ठीक है ना। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस भाई को सपोर्ट करो भाई, मैं तो ये बोलूँगा भाई को जितना सपोर्ट करोगे बेटर है। किसी को शादी का पार्टी का ऑर्डर देना हो तो उसका नंबर मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भाई का,
तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, बाकी यहाँ के लोकेशन डाल दूँगा। बाकी सिंपल है, तारगढ़ रोड स्टेडियम ये फ्लैग है बिल्कुल उसके यहाँ पे गोल चक्कर पे, बिल्कुल ईजी रास्ता है, आराम से पहुँच जाओगे। थैंक यू सो मच। मैं तो और कहना चाहूँगा, अगर आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बना रहा, आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही मेरे को मिलती रही, आज मैं ये अपने ससुर जी की गाड़ी से कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आगे जाके कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलने की। जाहिर सी बात है, इसको बढ़ाने के लिए आगे कहीं ना कहीं तो इससे तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हर चीज़ को पंख लगते हैं, हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे, हमारा टाइम भी बढ़ेगा, हमारे खाने के आइटम भी बढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस और चाहिए होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से आगे आगे चल के सब कुछ हम अच्छा ही करें, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे। और हम दोनों को देख के मैं यही कहूँगी कि हमें जो भी देख रहा है, हम दोनों को देख के, हम कुछ भी नहीं है लेकिन हम दोनों को देख के सीखिए, और ऑल द बेस्ट अपनी लाइफ में, अच्छा ज़रूर कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, अपने शब्दों से किसी को ठेस मत पहुँचाइए, अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने देखा था पहले जितनी भी वीडियो आई है, मैंने उसमें देखा है बहुत से लोगों ने जिसका जैसा नेचर है उसने वैसा कमेंट करा है, मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों की गाली में भी मेरे लिए बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है हमारे लिए, और आप दुआएं देंगे उसमें भी हमारे लिए आशीर्वाद है। हम सब सर आंखों पे सब आपका प्यार है, हमें सब स्वीकार है, सब सबके लिए हम आपके शुक्रमंद हैं। इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आपके सामने है, आप लोग एक बार हमारी तरह कोशिश करके देखना, हार मत मानना ज़िंदगी में, एक बार कोशिश करोगे तो बिल्कुल सफल होगे। धन्यवाद।